वक्त नहीं। लखनऊ कितनी मतानत से शायरी सुन रहा है। हजरत नासिक को आतिश की सरजमीन पर शेर व सुखन की बात जारी है। मुकरमी सामने परवीन शाकिर ने कहा है कि गजल तिलिस में हो सुबह का इसमें आजम है। डॉक्टर बशीर बदर ने कहा है कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गजल है। असगर गुरबी ने गजल की तहरीर की थी कि असगर गजल में चाहिए वो मौज जिंदगी जो हुस्न है बुतों में जो मस्ती शराब में। जानिसार अख्तर ने गजल की तकदीस की कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद चंद लफ्जों में कोई याद छुपा दी जाए। गजल का एक शायर जनाब डॉक्टर वसीम राजीव पुरी, डॉक्टर वसीम राजीव पुरी हमारी महफिल में मुशायरे में तशरीफ फरमाए, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वह तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। मासूम गजलों का शायर डॉक्टर वसीम राजीव पुरी। हजरात चंद शार आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक मतला और एक शेर यहाँ नूरानी चेहरे और सरों पर ताज की तरह सजी हुई टोपियाँ भी मुझे नजर आ रही हैं। दोस्तों मैं एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ आप हजरात की खिदमत में इस उम्मीद के साथ कि आप हजरात मुझे अपनी भरपूर दुआओं और मोहब्बतों से नवाजेंगे। मौलाना फरमाए मतला कि ये जमाना बड़ा शातिर है, ये जमाना बड़ा शातिर नजर देख न ले, ये जमाना बड़ा शातिर है नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले, ये जमाना बड़ा शातिर है नजर देख न ले, मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले, और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। पेश करता हूँ दोस्तों, अभी रिजवान साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, मुशायरे में थोड़ा सा गैप आया। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा वही माहौल बन जाए जो शुरू से माहौल बना था। मैं फिर से पेश करता हूँ आप हजरात की खिदमत में, आपने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, बेहद ममनून हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये ज़माना बड़ा शातिर है नज़र देख न ले, मेरी आँखों में मोहब्बत का असर देख न ले, और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू, पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। और यहीं से एक मतलब और एक शेर पेश करता हूँ। सैफ बाबर साहब एस रिजवान साहब का बहुत ममनून और मशहूर हूँ, हमारे इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब इब्राहिम अश साहब और दीगर हजरात मेरे दोस्त अहबाब। मुलाहिज़ा फरमाएं कि दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला, दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला। अब मुझे मालूम होता तो मैं पहले से यही शेर पढ़ता। मुलाहिज़ा फरमाएं कि दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला, सारी दुनिया से जुदा मेरा मुकद्दर निकला। दिल समझकर जिसे चाहा वही पत्थर निकला, सारी दुनिया से जुदा मेरा मुकद्दर निकला, और लाख गुर्बत रही किरदार का सदा न किया, घर से निकला तो सदा सर को उठाकर निकला। लाख गुर्बत रही किरदार का सौदा न किया, घर से निकला तो सदा सर को उठाकर निकला। और दोस्तों यहीं से चंद अशआर और आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ, एक मतलब शेर पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए जी बात मलिकज़ादा जावेद साहब मेरे करम फरमा बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अर्ज करता हूँ कि वो एक आंसू जो तेरे पलक पर रखा है, देखिए मतलब सुनिए गजल का, कि वो एक आंसू
जो तेरे पलक पर रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पर रखा है। बहुत शुक्रिया कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पर रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पर रखा है। और इस शेर पे आप हजरात खामोश नहीं रहेंगे। अच्छा पहले बात अच्छे कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पर रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पर रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर मैंने किसके लिए शेर कहा आप समझेंगे कि तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पर रखा है। बहुत शुक्रिया कि तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पर रखा है। और ये मतलब आपकी नजर करता हूँ, मुलायदा फरमाए दोस्तों, मैं किसी की खूबसूरत जुल्फ या खूबसूरत आंखों पर शायरी नहीं करता। मेरी आदत यह है, मैं ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ शायरी आप हज़रात की खिदमत में पहुँचा रहा हूँ। मुलायदा फरमाए कि कभी मतलब आपकी नज़र करता हूँ कि कभी शबनम तो कभी बर्ब शर लगता है, कभी शबनम तो कभी बर्ब शर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। कभी शबनम तो कभी बर्ब शर लगता है, आपके प्यार से अक्सर मुझे डर लगता है। आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। बहुत शुक्रिया कि आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो, बहुत शुक्रिया कि आपकी बात अलग, आप हैं महलों वाले, हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है। हजरत अली का एक कौल मैंने दो मिसरों में नज़्म किया है, मौलाना फरमाया कि हम गरीबों को तो फुटपाथ भी घर लगता है, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। जिस पे एहसान करो सामने आता है वही, अब तो एहसान भी करते हुए डर लगता है। एक मतला मैंने शायद पिछले दिनों आप हजरात तक पहुंचाया हो, मैं इजाज़त चाहता हूं उस मतले के बाद मतला आज करता हूं। आखिरी मतला पढ़ रहे हैं, एक मतला पढ़ रहे हैं, मतलब पेश करता हूं। ये लखनऊ की तहजीब जो मेरे सामने है, मैं मतला पेश करना चाहता हूं इस तहजीब को देखते हुए। आज करता हूं कि दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं। दोस्तों ये आखिरी मतला, और इसको अपने साथ ले जाइए और अपने छोटे भाई को दुआएं दे दीजिए। मुलायदा फरमाए भाई से चाहता हूँ कि दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख के आंसू सूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं।